शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम आपके टेक्स्ट बुक के जो पार्ट एक है प्रार्थना, वो किस प्रकार के है पार्ट है, कविता पार्ट है, इसको हम जान चुके थे बच्चों। कविता पार्ट से पहले इस कविता को देने का आशय क्या है और इस कविता को देने का उद्देश्य क्या है और इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है उनके अर्थ को सीख कर हम क्या किए थे, पद्य को ठीक उच्चारण के साथ वाचन कर चुके थे और उसके जो भाव है उसको भी हम विवरण के साथ दे चुके थे बच्चों। अभी क्या है, आपके अभ्यास में दिए गए जो प्रश्न है पहले में वो क्या है, पहला में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछ पूछ कर जो उत्तर है कौन सा शब्द को उत्तर के रूप में ले लेते हैं उसको इधर लिख सकते हैं, लिखेंगे बच्चों। अभी क्या है, पहला प्रश्न है बीती बातों इसका क्या मतलब है। बीती बातों इसका मतलब क्या हो जाता है, बीती का मतलब है वो बीता गया अथवा जो हो गया है उसको, बात का मतलब है विचार है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि गुजरी हुई बात। क्या है, गुजरी हुई बात है। जानिए बच्चों बीती बात का मतलब क्या है, बीती बात का मतलब यह है कि गुजरी हुई बात। दूसरा प्रश्न कौन सा है देखेंगे, दूसरा प्रश्न है हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए समाज में, कैसे रहना है सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। समझ में आई, कैसे रहना है हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न कौन सा है देखेंगे बच्चों, हद छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, जिद करते हैं, हट करते हैं, कोई चीज चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, हट करते हैं, उस हट को अथवा जिद को छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, हमें संयम को अपनाना चाहिए। किसको, संयम को, संयम भी बोलते हैं संयम भी बोलते हैं, संयम को अपनाना चाहिए। और चौथा प्रश्न कौन सा है देखेंगे, चौथा प्रश्न है छोटों बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए। इधर क्या है, छोटे हैं और बड़े भी हैं, सभी को मिलकर क्या करना चाहिए इस समाज में, सभी को मिलकर क्या करना है, गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। क्या है, गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। जानिए बच्चों गिरे हुए को क्या करना है, छोटे बड़े मिलकर, छोटे बड़े मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। अभी पांचवा प्रश्न को देखेंगे, वो क्या है, अभी तक चार प्रश्न हो गए हैं, अभी पांचवा प्रश्न है बच्चों देख लीजिए, हमें किस पर भले भले जाना चाहिए, किस पर भले भले जाना चाहिए, जो पांचवा प्रश्न है हमें किस पर भले भले जाना चाहिए, मातृभूमि पर भले भले जाना चाहिए। समझ में आई, किस पर भले भले जाना चाहिए, मातृभूमि पर भले भले जाना चाहिए। और भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, क्या मांगते हैं आप लोग भगवान से, जब हम पढ़ाए थे तब आप लोगों को बोले थे, क्या मांगते हैं आप लोग भगवान से, हमें यह मांगना चाहिए कि क्या है, सद्बुद्धि और किसी को ना अपमान करने के वर मांगना चाहिए। क्या है, सद्बुद्धि, हमें किसी का अपमान, इधर लिखो देख लीजिए, छठवां प्रश्न का उत्तर है हमें किसी का अपमान ना करने का, अपमान ना करे हमें बनाइए हम तो बोलना, हम किसी का अपमान ना करे, क्या है, हम किसी का अपमान ना करें,
और ऐसी बुद्धि देना भगवान है ना, और किसी का अपमान ना करें, और हमें सद्बुद्धि पाने का, सद्बुद्धि को बनाए रखने का वर मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? वर मांगना चाहिए। जान लिए बच्चों, ये तो थोड़ा बड़ा आंसर है, इसलिए पूरे के पूरे आंसर में बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख लीजिए ठीक तरह से है ना। प्रश्न क्या है, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? हम किसी का अपमान ना करें और हमें सद्बुद्धि को बनाए रखने का वर मांगना चाहिए, है ना। हमेशा के लिए हम भी अच्छे रहें, दूसरों को भी अच्छे दृष्टि से देखें। अभी क्या है बच्चों, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। इधर क्या है, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखने का पहला जो प्रश्न है वो है, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? इधर क्या है, एक रहे सद्भाव रखे हम, इधर हमारे देश में क्या है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और अमीर गरीब लोग रहते हैं। इधर क्या है, सभी लोग भेदभाव को भूलकर क्या करना पड़ता है, एक रहना पड़ता है। दूसरे दूसरे धर्म है, रीति रिवाज अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, फिर भी हम क्या होना चाहिए, एक रहकर जीना चाहिए और सद्भाव को अपनाना चाहिए। सद्भाव का मतलब है अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, सभी के साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचे, इस तरह के भाव को रखना बहुत जरूरी है बच्चों। जानिए मैं लिख के भेज दूंगी इन सभी को, मैं विवरण के साथ दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, बाद में लिख के नोट्स में भेज दूंगी बच्चों। गिरे हुए को तुरंत उठाइए, गिरे हुए का क्या अर्थ है, उसे कैसे उठाना चाहिए? इधर गिरे हुए का मतलब यह हो जाते हैं कि कुछ लोग असहायक हो जाते हैं, असहायक लोगों को मदद करना चाहिए, अथवा दुर्बल लोग रहते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, उनको सहारा ही नहीं हो जाता, और गरीब लोग रहते हैं, उन सभी को हम क्या करना चाहिए, कोई ना कोई रीति से अथवा तरीके से उनका मदद करना बहुत जरूरी है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गिरे हुए बोल देते हैं, दुर्लभ है उनको क्या है, सभी जो सुख संपदा है वो दुर्लभ है, उससे वे क्या हो जाते हैं, गरीब होकर जीना पड़ता है। उस तरह के लोगों को, असहाय लोगों को सहारा मिले तो वे भी जीने लायक बन जाते हैं। इसलिए गिरे हुए को क्या करना पड़ता है, तुरंत उठाना पड़ता है ना। गिरे हुए का अर्थ आप लोग जान चुके हैं, असहाय लोग है, उनको मदद करने वाले कोई नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उसके हाथ में काम नहीं है, इस तरह के जो लोग हो जाते हैं, कमाई नहीं कर सकते, अपना जीवन निर्वाहन नहीं कर सकते, इस तरह के जो असहाय लोग हो जाते हैं उनको हम कहते हैं गिरे हुए, दुर्बल लोग हैं इस समाज में अथवा गरीब लोग हैं। उसे कैसे उठाना चाहिए, उसको हम लोग क्या करना है, बड़े छोटे ना समझकर अथवा यहाँ सभी बड़े छोटे सब मिलकर उनको तुरंत क्या करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, उनको क्या मदद चाहिए उसको करके उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। जान लिए ना। अभी क्या है, तीसरा प्रश्न है, हट छोड़े संयम अपनाइए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट हो जाता है? इधर क्या है, छोटे बच्चे हैं आप लोग क्या करते हैं, अगर आपके दोस्त नया चीजें खरीद लेता है, मान लीजिए कि उसके पास एक नया ड्रेस है अथवा नया कलम है, उसको देखते ही आपके मन में क्या भावना पैदा हो जाते हैं, मैं भी उसे खरीदूं, जाकर घर में क्या बोलते हैं, मुझे भी कलम चाहिए, इस तरह आपके माँ बाप से आपने विनती करते हैं। उस समय माँ बाप के पास पैसे है तो वे लोग क्या करते हैं, दिलवाते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, आगे देखेंगे, इस तरह कोई ना कोई कारण बनाकर उसको टाल देते हैं, है ना। तब आप लोग क्या करते हैं, जिद करते हैं, जिद का मतलब है हट करते हैं, इस तरह के जो हट है
आप लोग क्या हो गए हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं। अभी क्या है, हटू को छोड़ देना पड़ता है। अपने जो विद्यार्थी जीवन के ओर आपको अपना लगन डालना पड़ता है, इसलिए हटू को छोड़कर क्या करना पड़ता है, आगे अच्छे अच्छे अंक के साथ अच्छे अच्छे विचारों को सीखना है, तो संयम को अपनाना बहुत जरूरी है। इस तरह तो इस प्रश्न का अर्थ हो जाता है बच्चों। समझ में आ गए बच्चों? अभी क्या है, दूसरे मेन के दो तीन वाक्यों के जो प्रश्न है उनको विवरण के साथ मैं बता चुकी हूँ। बाद में क्या करूंगी, नोट्स भेजते वक्त मैं लिख के भेजूंगी बच्चों। अभी क्या है, तीसरा मेन है। तीसरे मेन में क्या है देखेंगे, तीसरे मेन में क्या है, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। क्या है तुक वाले शब्द, इसका मतलब क्या है, तुक वाले शब्द का मतलब है राइमिंग वर्ड्स अथवा प्रांश पदगलु। इसको क्या करना पड़ता है, लिख के देखना है। आपकी जो कविता में आई है उनको चुनेंगे, एक उदाहरण भी दिए हैं, वो उदाहरण कौन सा है, अपनाइए और विसराइए है। अभी आगे दिए है, पहला है विचारे। क्या दिए है, विचारे दिए है। इसको कौन सा शब्द लिखेंगे, जीवन वाले। क्या है, जीवन वाले दिए है। जानिए कौन सा है कविता में, ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा दिए है, दूसरा शब्द है उठाइए। कौन सा है, उठाइए। इसमें कौन सा शब्द दिए है, मिल जाइए। कौन सा है, मिल जाइए। हाँ, और अगला शब्द कौन सा है, अपमान है, अपमान है ना, अपमान है। इसको कैसे शब्द चुनेंगे, अपमान दिए हैं अभी उसी कविता में आए हुए जो तुक वाले शब्द है भगवान। क्या है, भगवान। जानिए बच्चों तुक वाले शब्द का मतलब क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रास पदगलु भी बोलते हैं। ज्यादातर इस तरह के शब्दों को हम कविता में देख सकते हैं। आपको जो दिए गए कविता है प्रार्थना, उसमें आए हुए तुक वाले शब्दों को हम क्या किए हैं, इधर चुन कर लेते हैं। पहला शब्द कौन सा है, विचार है, और उसका तुक वाला शब्द है जीवन वाले, और बाद में क्या है, उठाए। उठाए का मतलब क्या है, मिल जाए। वो प्रास पद कौन सा है, तुक वाले शब्द मिल जाए है। उठाए की जगह साथ कौन सा है, मिल जाए आ गया है। और एक है अपमान। अपमान के साथ आए हुए तुक वाले शब्द है भगवान। जान लिए बच्चों? अभी जो है हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, उनको एक बार कन्नड़ में जानेंगे और आगे जाएंगे बच्चों। इधर क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट मैंने दिए हुए जो कोई प्रश्नोत्तर है उनको कन्नड़ में एक बार सीखेंगे। बीती बातों को, इसका मतलब क्या है, कळेदु होद विषयगळु ಮಾತುಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬೀತಿ ಬಾತೋಕೋ ಇಸ್ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಗುಜುರಿ ಹುಯಿ ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಮಾತುಗಳು। ಹಮೇ ಕೈಸೆ ರಹನ ಚಾಹಿಯೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಮೇ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ರಹನ ಚಾಹಿಯೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಜೀವಿಸಬೇಕು। ಜಾನ್ಲಿಯೇ ಬಚ್ಚೋ ಅಭಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ತೀಸರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇ, ಹಟ್ ಚೋಡ್ಕರ್ ಹಮೇ ಕಿಸೆ ಅಪನಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಹಟ್ ಚೋಡ್ಕರ್ ಹಮೇ ಕಿಸೆ ಅಪನಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಯಮಕ್ಕೂ ಅಪನಾನ ಚಾಹಿಯ, ಸಂಯಮವನ್ನ, ಸಂಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ತಾಳ್ಮೆ, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಅವ್ರ ಚೌಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಚೋಟೆ ಬಡವಂಕು ಮಿಲ್ಕರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುರೆ ಗಿರೆ ಬೇಕು ತುರಂತ ಉಂಟಾನ ಚಾಹಿಯೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವವರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಪಾಂಚವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇ, ಹಮೇ ಕಿಸ್ ಪರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾನ ಚಾಹಿಯೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಜಾನ ಚಾಹಿಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसके बाद क्या है, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए,
भगवान से हमें सद्बुद्धि और इधर क्या है, हम किसी का अपना अपमान ना करें, ना वो बेरे के अपमान बनना ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಹಮೇ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಬನಾಯೇ ರಕ್ಕ ವರಮಾನ ಚಾಹಿ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏಕರಹಿ ಸದ್ಭಾವನಕ್ಕೆ ಹಮ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರಿ ಗಿರಿಯೇಕೋ ತುರಂತ ಉಟಾಯೇ, ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ತುರಂತ ಉಟಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಗಿರೆ ಗುಯೇಕ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥಿಗೆ, ಗಿರೆ ಗುಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಗಿರೆ ಗುಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಗಿರೆ ಗುಯೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರು ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಠ ಚೂಡೆ ಸಂಯಮ ನಾಯಿ, ಹಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಯಮವನ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಂತಹ ಒಂದು ಹಠ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಹಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಪದ್ಯ ಭಾಗವು ಪೂರ್ಣ ಕಿಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದು ನೀವೇ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಮೇನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಖಾಲಿ ಜೊಗಲು ಬರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನುಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಲೆ ಕಾಮಪರ್ ಜೀವನ ಬಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಲೆ ಕಾಮಪರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೀವನ ಬಾರೆ, ಬೀತಿ ಬಾತಂಕೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಸಿರಗೆ, ಏಕರಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ರಕ್ಕೇನ ಸದ್ಭಾವರಕ್ಕೆ, ಹಠ ಚೋಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪನಾಯಿ ಸಂಯಮ ಅಪನಾಯಿ. ಈ ಖಾಲಿ ಜಗಹ ಅವ್ರ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿ ಆಪೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ಹೇ ಬಚ್ಚೋ, ಆಪ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಿ ಜೊ ಪದ್ಯ ಹೇ ಉಸ್ಸೆ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಢೂಂಡ್ ಕರ್ ಲಿಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಢೂಂಡ್ ಕರ್ ಲಿಖ್ ಲೀಜಿಯೇ ಬಚ್ಚೋ. ಅಭಿ ಇಸ್ ಪಾಠ ಕಿ ಜೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ ಥಿ ಯೇ ಖತಮ್ ಹೋ ಗಯೇ ಹೇ, ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಕೋ ಕಂಠಸ್ಥ ಕರ್ನಾ ಹೇ. ಕಂಠಸ್ಥ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಬಚ್ಚೋ? ಬಹ್ಯಾಡ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಠೀಕ್ ಹೇ ಅಭಿ, ಏ ಖತಮ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೇ ಯೇ ಕವಿತಾ, ಔರ್ ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ನಾ ಏಕ್ ಪಾಠ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆ ಜಾಯೇಂಗೇ ಬಚ್ಚೋ. ಧನ್ಯವಾದ.